दोस्तों अल्ट्रा बॉलेट ने अपना पहली इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा बॉलेट F77 को इंडिया में लॉन्च किया है और ये बाइक इंडिया की सबसे फास्टेस्ट और ज्यादा रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक बाइक बन चुका है और ये बाइक को 2019 में शोकेस किया गया था, अब जाके ये लॉन्च हुआ है और ये बाइक इंडिया की सबसे महंगी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इस बाइक में कितना वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, इस बाइक का डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस, रेंज एंड प्राइस के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और ईवी सपोर्टर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिटेल वीडियो लेकर आते हैं ईवी सपोर्टर में। तो क्या बनाती है इस मोटरसाइकिल को खास, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक का वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों ये बाइक में आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, F77 ओरिजिनल, F77 रिकॉन और F77 लिमिटेड। और ये 3 वेरिएंट में ही डिफरेंट कलर, डिफरेंट बैटरी, डिफरेंट रेंज और डिफरेंट प्राइस देखने को मिलेगा और आपको बताएंगे ये तीनों वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा और कौन सी बाइक आपको लेना चाहिए। अगर दोस्तों इस बाइक का कलर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों F77 ओरिजिनल और F77 रिकॉन एडिशन में 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिल्वर, ग्रे और रेड। और F77 लिमिटेड में डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें ग्रे कलर के ऊपर येलो ग्राफिक्स दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बाइक का स्टाइलिंग के बारे में। इसका डिजाइन तो आप पहले से ही देख चुके होंगे, अल्ट्रा बॉलेट ने 2019 में जो कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल दिखाया था और ये जो प्रोडक्शन वर्जन है इन दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दिखने में ये बाइक काफी स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक है, ये एक स्पोर्ट्स बाइक है और दोस्तों ये बाइक काफी प्रीमियम दिखता है। इसका डिजाइन सामने से वेरी एग्रेसिव और स्पोर्टी लगता है। आगे हेडलाइट के साथ LED DRL भी दिया गया है और इसके दोनों साइड LED इंडिकेटर भी है। और दोस्तों इसका स्टाइलिंग और डिजाइन के मामले में तीनों वेरिएंट में ही सेम है। दोस्तों इसका आगे टेलीस्कोपी सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों इसका स्टाइलिंग जो है वो सुपर स्पोर्ट्स स्ट्रीट फाइटर बाइक के जैसा ही है। पीछे से अगर इस बाइक को देखें तो इसमें LED टेल लैंप के साथ LED इंडिकेटर भी दिया गया है। अगर इस बाइक का टायर साइजेस की बात करें, इसका आगे 110x17 का टायर साइज मिलता है और इसका रियर में 150x60 का टायर साइज मिलता है जो इसका टायर काफी चौड़ा है। और इस बाइक के फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और ये इंडिया का फास्ट ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें पिकअप और स्पीड भी ज्यादा है, इसलिए इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए ये बाइक काफी सेफेस्ट होने वाला है। और दोस्तों आप बात करते हैं इस बाइक का परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के मामले में इन तीनों वेरिएंट में डिफरेंस परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। इन तीनों बाइक का मोटर और पावर की बात करें, F77 का जो मोटर है 27 किलोवाट का पावर और 85 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इसका रिकॉन वेरिएंट जनरेट करता है 29 किलोवाट का पावर और 95 Nm का टॉर्क। और इसका लिमिटेड वर्जन की बात करें तो इसमें 30.2 किलोवाट का पावर और 100 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। F77 का जो टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और इसका रिकॉन वेरिएंट में 147 किलोमीटर पर आवर और इसका जो लिमिटेड एडिशन है उसमें 152 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है। अगर इन बाइक का स्पीड की बात करें तो इसका जो F77 है उसमें 140 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है और ये बाइक 0-60 3.4 सेकंड में अचीव कर लेता है। और इसका जो रिकॉन एडिशन है उसका टॉप स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर और ये बाइक 0-60 सिर्फ 3.1 सेकंड में अचीव कर लेता है। और इसका लिमिटेड एडिशन में 152 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिलता है और ये बाइक 0-60 2.9 सेकंड में अचीव कर लेता है। और इसका तीनों वेरिएंट में स्पीड के साथ एक्सेलरेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। और दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक इंडिया की सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक होने वाला है। अगर दोस्तों इस बाइक का बैटरी और रेंज की बात करें, F77 में 7.1 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगा और इसका रिकॉन और लिमिटेड दोनों एडिशन में ही 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलेगा। और ये जो बैटरी है ये काफी सेफेस्ट होने वाला है और इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। अगर इन बाइक के रेंज की बात करें, जो F77 है उसका IDC रेंज
206 किलोमीटर पर चार्ज। और इसका जो F77 रिकॉन और लिमिटेड वेरिएंट है, दोनों वेरिएंट में ही 307 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर F77 जनरल में ही सिर्फ थोड़ा सा कम रेंज देखने को मिलेगा। और इस बाइक में 3 डाइविंग मोड्स भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम ग्लाइड, कॉम्बैक्ट और ब्लास्टिक मोड्स। अगर बात करें इन बाइक के चार्जिंग की, इस बाइक में 5 आवर्स का चार्जिंग टाइम देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक का फीचर्स की बात करें तो इन तीनों बाइक में लगभग सेम फीचर्स ही दिया गया है। सभी में रिवर्स मोड देखने को मिलेगा, राइड बाय वायर देखने को मिलता है, और इसमें 5 इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसके अलावा इसमें ऑल LED हेडलैम्प सेटअप भी दिया गया है, और इसमें फॉल एंड क्रैश सेंसर दिया गया है, और इसमें लॉकडाउन मोड भी दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांस फीचर इसमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस बाइक का प्राइस की बात करें, इसका तीनों वेरिएंट में प्राइसिंग का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसका जो F77 है उसका प्राइस 3.80 लाख, और इसका जो F77 रिकॉन का प्राइस 4.55 लाख देखने को मिलेगा। और इसका जो लिमिटेड एडिशन है जो सिर्फ 77 बनाया जाएगा, उसका प्राइस 5.50 लाख रुपीस। तो दोस्तों ये बाइक इंडिया की फास्टेस्ट लॉन्ग रेंज के साथ एक्सपेंसिव बाइक भी होने वाला है। अगर दोस्तों इस बाइक की डिलीवरी की बात करें तो इसका डिलीवरी पहले बेंगलोर में 2023 में किया जाएगा, उसके बाद अलग अलग स्टेट में इसका डिलीवरी किया जाएगा। तो आपको इस बाइक को लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये बाइक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।